बच्चे कुछ बच्चों को पाइथन आती है कि नहीं आती इसमें? ठीक यस वी नो लिटिल बिट। है बच्चे, सबने कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज पढ़ रखी होगी। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि है ना सबको 5% नॉलेज होगी सी लैंग्वेज की, उसके हिसाब से पढ़ाई जा रही चीजें। चलो अब एक बार आज हम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करेंगे। डेटा टाइप्स और बेसिक्स जो है वो मैं रिज्यूम करके चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपने ना सी में पढ़ा हुआ है, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, डेटा टाइप, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ रखी होंगी आपने। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के साथ, उसके कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ काम करने को मिलेगा, वो काम करके देखेंगे। जैसे जैसे काम होता जाएगा आपको समझ आती जाएगी प्रोग्रामिंग, वो ज्यादा क्लियर होगी। अब सबसे पहली चीज है पाइथन में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। बच्चे जो चीज ना समझ आए उसी समय पूछ ले। कोई बच्चा साथ में बोलेगा मेरे? चलो इनपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंप्यूटर को कैसे, पाइथन लैंग्वेज को कैसे इनपुट दिया जाए बाय यूजिंग कीबोर्ड, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट स्टेटमेंट। हम इनपुट स्टेटमेंट देने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, स्टैटिक का मतलब क्या हो गया फिक्स्ड, और डायनेमिक का मतलब हो गया रन टाइम। रन टाइम पे जो इनपुट दिया जाए दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक, और स्टैटिक का मतलब है कि जो आप फिक्स कर दो दैट इज स्टैटिक इनपुट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की वैल्यू लिख देता हूँ 2 है, तो दैट इज अ स्टैटिक इनपुट। अगर मैं ए को यूजर से रन टाइम पे लेता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक इनपुट। तो हम देखते हैं दोनों तरीके, देखते हैं कि स्टैटिक इनपुट कैसे दिया जाएगा और डायनेमिक इनपुट कैसे दिया जाएगा, उसमें देखते हैं। सिमिलरली जैसे सी लैंग्वेज में देते थे वैसे ही देते हैं। जैसे अगर मैंने बोला ए इक्वल्स टू 2, इट इज स्टैटिक इनपुट, ये आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे अगर मेरे को 2-3 वेरिएबल्स को एक साथ इनपुट कराना है तो हम ऐसे भी लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ये चीज हम शायद सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते थे अगर सी लैंग्वेज पढ़ रखी है। दूसरा तरीका होता है जैसे अगर मेरे को सारे वेरिएबल्स हैं सबको वैल्यू सेम असाइन करनी, मैं ऐसे भी लिखता हूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तो यानी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो दिस इज स्टैटिक इनपुट देने के हमारे पास ये तरीके होते हैं। अब इसी तरह से हम डायनेमिक इनपुट भी दे सकते हैं। डायनेमिक इनपुट का मतलब क्या है, रन टाइम पे जब इनपुट दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक इनपुट। जैसे सी में आपका स्कैन एफ यूज होता था, स्कैन एफ, स्कैन एफ से हम इनपुट कराते थे, स्कैन एफ का मतलब होता था रीड करो। तो उसी तरह इधर इनपुट देने के तरीके क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने बोला ए इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट लिखा और डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आपने स्टेटमेंट लिखी, जैसे अगर ए बी सी लिख दिया तो दैट मीन आउटपुट में आपके पास लिखा आएगा ए बी सी और उसके बाद जो भी आप प्रेस कर दोगे 3, तो दैट विल बी इनपुट टू ए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। अब जैसे है ना इसमें एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि पाइथन में सारे के सारे वेरिएबल्स जो भी इनपुट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होते हैं। किस फॉर्मेट में होते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये स्ट्रिंग। जो भी वेरिएबल्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं इनपुट, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इनपुट होते हैं। अगर हमारे को इंटीजर या फ्लोटिंग टाइप चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मेरे को ए इंटीजर टाइप चाहिए तो आप पहले ही लिख दो ए इक्वल्स टू इंट, इंट का मतलब क्या हो गया इंटीजर टाइप, इंटीजर मतलब 1, 2, 3, -1, -2, -3, और यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट। और उसके बाद डबल कोट के अंदर एंटर, जैसे अगर मैंने बोला ए, एंटर ए, तो ये जो चीज आएगी आउटपुट में लिखा आएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, जो भी रन टाइम पे कराओगे तो आप एंटर ए यहाँ लिखा आएगा, फिर उसके बाद आप
जो भी वैल्यू इनपुट कराओगे उसको वो बाय डिफॉल्ट उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर, यानी वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं रहेगा, वो किस टाइप का हो जाएगा, इंटीजर टाइप का हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है बच्चे? दीक्षांत बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जैसे देखते हैं हम इनपुट देने के और क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे और दे सकते हैं इनपुट। अब ये देख, अब हमारे को इनपुट देने का तरीका समझ आया। अगर मेरे को कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो अभी जस्ट ऐसे लिखते हैं a इक्वल्स टू इंट और यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखनी है, उसके बाद हम इस तरीके से इनपुट दे सकते हैं। मेनली हम डायनेमिक इनपुट ही यूज करेंगे, मेनली हम डायनेमिक इनपुट ही यूज करेंगे ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना आए कोई। अब इसके बाद जैसे अगर मैं कोई भी जैसे a इक्वल्स टू एक स्टैटिक इनपुट अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया जैसे हेलो, तो ये भी अगर आप ये भी क्या है, एक स्टैटिक इनपुट। अब जैसे अगर हमारे को देने आउटपुट स्टेटमेंट्स कैसी होती है, आउटपुट स्टेटमेंट, तो आउटपुट स्टेटमेंट्स का मतलब ये हो गया हमें कैसे अपना रिजल्ट जो है वो प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पर, हमें कैसे अपना रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है वो चीज देखनी। उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होती है बच्चे प्रिंट, उसके लिए स्टेटमेंट होती है प्रिंट, स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अगर बच्चे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, हेलो लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है आपने, कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आप सिंपली डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखोगे प्रिंट ए, जैसे अगर मैंने ये लिखा तो ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। अगर मैंने लिखा प्रिंट डबल कोट्स के अंदर ए लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट में सिमिलर क्या लिखा होगा, ए लिखा होगा, इसमें ए की वैल्यू और इसमें क्या मतलब होगा, ए ये ए सिंबल प्रिंट होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होता है, जैसे मैंने बोला ए इक्वल्स टू हेलो और ये मैंने डबल कोट्स, ए वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है और उसका नाम क्या है, उसे इसके अंदर क्या रखा हुआ मैंने, हेलो रखा हुआ। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट डबल कोट्स के अंदर ए लिखता हूं, तो और एक बार लिखता हूं प्रिंट ए, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा सिंपली आउटपुट पे क्या लिखा आएगा, ए, और इसका मतलब क्या होगा, ए वेरिएबल क्या है, हेलो, तो ये एच ई डबल एल ओ ये प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे। ये बात सबको क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो अब बाय डिफॉल्ट देखते हैं, जैसे प्रिंट वेरिएबल को, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे, अभी तो हमने ये बोला जैसे सपोज कर लो ए इक्वल टू थ्री है, बी इक्वल टू फोर है, ए इक्वल टू थ्री है, बी इक्वल टू फोर है, अगर मैंने लिखा प्रिंट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बच्चे, आउटपुट में क्या आएगा जल्दी बताओ, थ्री एंड फोर, ए कॉमा फोर, थ्री और फोर ये आएगा। अगर मैंने लिखा ऐसे ए इक्वल्स टू थ्री, बी इक्वल्स टू फोर और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट ए और दूसरा लिखा प्रिंट बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्री फोर, थ्री फोर आएगा। बट ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। प्रिंट की बाय डिफॉल्ट प्रिंट के बाद हमेशा लाइन चेंज हो, प्रिंट के बाद हमेशा लाइन क्या होती है, चेंज होती है, यानी प्रिंट का लास्ट कैरेक्टर होता है लाइन चेंज, प्रिंट का लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, लाइन चेंज, इसलिए हमेशा लाइन चेंज होगी। इसमें लाइन चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट एक ही है। बात समझ आ गई? यस सर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, प्रिंट का लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, हमेशा लाइन को वो चेंज कर देता है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर दो तीन वेरिएबल्स आपको प्रिंट कराने, जैसे a इक्वल टू थ्री है और b इक्वल टू फोर है, c इक्वल टू फाइव है, आपको तीनों को एक साथ प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट a कॉमा b कॉमा c। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा,
अब इसके अंदर प्रिंट कमांड को हम दो तीन चीजें और यूज करके देखते हैं। प्रिंट कमांड यूजिंग एंड ऑपरेटर, दो टाइप्स के ऑपरेटर हम प्रिंट कमांड के साथ यूज करते हैं। एक होता है हमारा एंड ऑपरेटर, एक होता है सेपरेट ऑपरेटर। एक क्या होता है एंड ऑपरेटर और दूसरा होता है हमारा सेपरेट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर क्या होता है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का? लाइन चेंज। जैसे अगर मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे हमने लिखा ए वेरिएबल जो भी था और यहाँ पे कॉमा लिख दिया एंड इज इक्वल्स टू ब्लैंक कर दिया, एंड इज इक्वल्स टू ब्लैंक। और एक फिर लिखा नीचे प्रिंट वेरिएबल बी को प्रिंट करा दिया। मींस एक एग्जांपल ले लिया ए बी इक्वल्स टू 1,3। बच्चे कोई बताएगा मेरे को इसका आउटपुट स्क्रीन पे कैसा आएगा? कोई बताएगा? दीक्षांत, फर्स्ट लाइन में 1, सेकंड लाइन में 3, सॉरी। पहली लाइन में 1 और दूसरी लाइन में, सर दोनों लाइन एक में लाइन भी। में प्रिंट हो जाएंगे एक लाइन में क्यों प्रिंट होंगे बच्चे? सर, क्योंकि प्रिंट जो एंड स्टेटमेंट होती है ना सर, वो सिलेक्शन होती है। बिल्कुल, अगर एंड को मैंने नल कर दिया है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एंड कैरेक्टर जो स्लैश एंड था यानी लाइन चेंज था वो कैंसिल हो चुका। बात समझ आ गई? तो इसलिए एक लाइन में प्रिंट होंगे। अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखता ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू जैसे 3 लिखा, प्रिंट ए लिखा और प्रिंट बी लिखा, तो इसका मतलब क्या होता कि पहले 1 प्रिंट होता फिर 3। अब जब मैंने ये बोल दिया कि लाइन चेंज मैंने नल कर दिया, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट 3 ऊपर प्रिंट होगा। कोई डाउट है? नमस्कार। ठीक है, एंड कैरेक्टर को हटाने के लिए हम इस एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड कैरेक्टर को हटाने के लिए इसको यूज करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो नो सर। सर चलो, अब जैसे अगर मैंने बोला, एक एग्जांपल बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ए इक्वल्स टू राहुल, नाम लिखा मैंने, ठीक है, और उसके आगे बी इक्वल्स टू मैंने लिखा गुप्ता, ठीक है। अगर मेरे को दोनों को साथ साथ में दिखाना है, राहुल गुप्ता लिखना है सीधा डायरेक्ट, तो मैं क्या लिखूं प्रिंट? बोलो। सर प्रिंट ए कॉमा बी। प्रिंट ए कॉमा बी अगर लिख दें तब भी हो जाएगा। और कोई तरीका? मैं ऐसे लिख दूं तो प्रिंट अगर लिखा मैंने ए कॉमा एंड इज इक्वल्स टू नल और प्रिंट लिख दिया बी, क्या प्रिंट होगा बच्चे? सर राहुल गुप्ता। बात समझ आ गई? अगर मैंने बीच में एक स्पेस देना है तो एक स्पेस यहाँ पे डाल देना, वो राहुल स्पेस गुप्ता आ जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रिंट कमांड यूजिंग सेपरेट पैरामीटर। सेपरेट पैरामीटर से कैसे करते हैं? अब एक बार एक चीज समझेंगे। जैसे अगर मैंने बोला था कि यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू राहुल और बी इज इक्वल्स टू गुप्ता, ठीक है। अब मैंने अगर ये लिखा प्रिंट ए कॉमा सेपरेट इज इक्वल्स टू एट द रेट, सेपरेट इक्वल टू एट द रेट प्रिंट गुप्ता, क्या होगा बच्चे इसमें मतलब? बोलो, सेपरेट करना है तो सर राहुल गुप्ता आएगा और बीच में एट द रेट आएगा, राहुल एट द रेट राहुल गुप्ता। एट द रेट गुप्ता, राहुल एट द रेट गुप्ता। बच्चे बात क्लियर है? ये दोनों चीज सर अगर हम SCP की जगह अगर हम यहाँ पे एंड लगाते तो क्या ये सेम स्टेटमेंट प्रिंट होती क्या? बच्चे मेरे हिसाब से तो सेम प्रिंट हो जाना चाहिए, एंड इक्वल टू ये।
फिर सर सेपरेट में और एंड में, तो एंड के फंक्शन सेम है ना। एक मिनट यहाँ पे इसको ना ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा एस ई पी इक्वल्स टू एट द रेट। अब ठीक है? यस सर अब ठीक है ना, अब ज्यादा ठीक है, सही है। अब ये हमारे दो ऑपरेटर थे, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए है बच्चे। वैसे बेसिकली मेरी इनपुट स्टेटमेंट कौन सी होती है, इनपुट, और आउटपुट के लिए क्या होती है हमारे पास, प्रिंट। प्रिंट स्टेटमेंट से आउटपुट प्रिंट होता है और इनपुट स्टेटमेंट से इनपुट लिया जाता है। अब कुछ हमारे और कुछ प्रोग्राम्स करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करके को यूज करके कुछ प्रोग्राम्स करें, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस और क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एक यहाँ पे सी से अलग जो होते हैं चार चार एक्सपोनेंशियल और एक डिवाइड, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। मतलब ये होता है अगर ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू 2, लेट सपोज ये, तो अगर मैंने लिखा ए चार चार बी, मतलब ये आएगा सी इक्वल टू, अगर ये लिखा है तो सी की वैल्यू आएगी 3 की पावर 2, दैट इज 9। ए चार चार बी का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ए की पावर बी, ए की पावर बी, ये पता होना चाहिए। ये होता है आपका क्वोशेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है, क्वोशेंट ऑपरेटर। और एक और ऑपरेटर होता है रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए, क्या हम क्या यूज करते हैं, परसेंट। ये आपने सी में पढ़ा हो, ठीक है। अब एक बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इन सब का मतलब समझ आ जाए, उसके बाद हम प्रोग्राम करें। जैसे अगर मैंने बोला, कोई बोलेगा, अगर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू, नहीं, ए इक्वल्स टू 14, बी इक्वल्स टू 3, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू ए परसेंट बी, और डी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड डिवाइडेड बी, और ई इज इक्वल्स टू ए चार चार बी। कोई बताएगा मेरे को सी का आंसर क्या आएगा, 14 से डिवाइड करेंगे 3 4 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आएगा सर, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। अब डी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड डिवाइडेड बी, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, क्वोशेंट ऑपरेटर था, क्वोशेंट आ जाएगी। ए चार चार बी है, ए चार चार बी है, तो 14 की पावर क्या आएगा, 3। एक और एग्जांपल ले लेते, ये समझ आया कि नहीं आया, yes, sir. जैसे ए इक्वल्स टू 15 लिखा, बी इक्वल्स टू 4 लिखा, सी इक्वल्स टू ए परसेंट बी लिखा, डी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड डिवाइडेड बी लिखा, ई इक्वल्स टू ए चार बी लिखा, तो बच्चे कोई बताएगा मेरे को क्या आया, सी की वैल्यू क्या आई, जल्दी बोलो, 3 आई, और क्वेश्चन की वैल्यू क्या आई, 3, और ए चार चार बी से इससे क्या आया, 15 की पावर 4। ये सबको क्लियर है? अब कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। तो अब हम एक बार ये देखते हैं, हाँ बच्चे कोई डाउट है, चलो अब आगे देखते हैं। अब हमने जो पढ़ा था इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, उसके बाद हम 5 प्रोग्राम्स करें। जैसे हमने इनपुट देने का तरीका क्या था बच्चे, कोई बताएगा, 2 थे स्टैटिक और डायनेमिक। एक तो स्टैटिक में a इक्वल टू 3, a कॉमा b इज इक्वल टू 3 कॉमा 4, ये स्टैटिक तरीका था। डायनेमिक तरीका क्या था, a इज इक्वल टू एंड करके इनपुट ले लेते थे, इस तरीके से करते थे, ये डायनेमिक। प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करते थे, प्रिंट। अगर हम वेरिएबल का नाम देते थे तो क्या होता था, वेरिएबल का, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। अगर मैं इसे डबल कोट्स में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग प्रिंट, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। और एवरीथिंग दैट इज इन पाइथन, जो भी पाइथन में होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। अगर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर डेटा टाइप लगा दो, रियल करना है तो फ्लोट लगा दो, कैरेक्टर में करना है तो CHAR लगा दो। अभी अभी हमें, मैंने ज्यादा से ज्यादा इंट बताया क्योंकि अभी हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
Yes, चलो, sir. अब, चलो अब एक चीज देखते हैं, अब है ना बच्चे, हम प्रोग्राम करेंगे कॉपी पेन लेके करना, क्योंकि कॉपी पेन के बिना दिक्कत आएगी और कुछ चीजें हम अच्छे से समझेंगे। कोई बच्चा मेरे साथ बोलेगा, प्रगति बच्चा है कोई बोलेगा? चलो कौन कोई बोलना चाहता है मेरे साथ? यस सर। कौन बोल रहा है, नाम बताओ? मोहित सर। मोहित, मोहित बच्चे बेसिकली मेरे को ना 5 प्रोग्राम्स करने हैं और उसके बाद असाइनमेंट मिल जाएगी उसके ऊपर। अब लेट सपोज मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले आपका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ये चीज है ना अलग अलग लिखना, प्रोग्रामिंग समझनी है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिसका PRT गिवन, ठीक है? क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? PRT/100 होता है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसके लिए इनपुट क्या क्या है? PRT और ये कहता है आउटपुट क्या है? सिंपल ऐसा। अब पी इज इक्वल टू इंट ले लेते हैं, सारे वेरिएबल्स में इंट ही मान लो, इनपुट एंटर पी, सही है? ये बात समझ आ गई? आर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एस, ये बात समझ आ गई? टी इज इक्वल टू सेम लिख दो और यहाँ पे एंटर एस की जगह टी लिख दो, कोई डाउट तो नहीं इनपुट देने में? अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? P*R*T/100, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट एस तो क्या आ जाएगा मेरे पास आउटपुट में? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। कोई कोई मेरे को नहीं लगता इस प्रोग्राम में किसी को डाउट होगा। अब थोड़ा सा मुश्किल करते जाएंगे, लेवल मुश्किल करते जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है इस प्रोग्राम में किसी को भी? चलो अब एक चीज देखते हैं, अब हम ये देखते हैं, लेट सपोज मेरे को एक नंबर है 3 डिजिट का, कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का है, उसका रिवर्स निकालना। क्या निकालना है? 3 डिजिट नंबर का रिवर्स निकालना। कोई क्वेश्चन में डाउट है बच्चे? कोई बोलेगा साथ में? नो सर। बच्चे देखो, अब 3 डिजिट नंबर है, जैसे लेट सपोज A=147 है, मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए? 741। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, 147 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 × 100 + 4 × 10 + 7 × 1, सही है? ये नंबर हो गया मेरा, सही है? अब अगर मैं इंडिविजुअल डिजिट्स अगर इसके एक्सट्रैक्ट कर दूं 1, 4 और 7, तो मैं क्या कर सकता हूँ रिवर्स नंबर निकालने के लिए? 7 × 100 + 4 × 10 + 1, सही है? यही हो जाएगा ना रिवर्स? Yes, sir. एक नंबर का रिवर्स निकालना है तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। अगर एक नंबर ABC है, ABC उसके डिजिट्स है, तो इसका मतलब रिवर्स जो होगा वो होगा CBA, और ABC का मतलब होता है A × 100 B × 10 + C, और इसका मतलब उसका उल्टा होता है। अब इसका रिवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ दीक्षांत। Yes, sir. आप बोल। अगर मैंने बोला A=int और मैंने ले लिया नंबर इनपुट, ठीक है, मैंने लेट सपोज कर लिया A=147। अब मेरे को जो चाहिए दीक्षांत, क्या चाहिए? 147 में इंडिविजुअल डिजिट चाहिए, 1 अलग चाहिए, 4 अलग चाहिए, 7 अलग चाहिए, यस और नो? यस सर। अच्छा, 7 को अलग करने के लिए मेरे को इसका किससे रिमाइंडर लूं कि 7 अलग हो जाए? 7 अगर अलग करना है तो 10, अगर मैं इसको लिखता हूँ बी
बी इक्वल्स टू ए परसेंट अगर 10 कर दू तो व्हाट विल बी बी 147 है 147 को किसे डिवाइड किया 10 से 14 140 रिमाइंडर कितना आ गया 7 आ गया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 7 बी इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया ये आ गया अब आपको क्या चाहिए नंबर जो चाहिए वो चाहिए 14 चाहिए कि नहीं 14 से 4 निकालेंगे अगर मैं इसको लिख दूं c इज इक्वल टू a डिवाइडेड डिवाइडेड 10 तो c से क्या है a कितना है a कितना था 147 को अगर क्वेश्चन 10 से लेंगे तो कितना आया 14 आ गया ये आ गया अब मेरे को 14 का क्या चाहिए 14 का रिमाइंडर देकर 4 चाहिए 4 चाहिए तो मैंने इसको d लिखा d इज इक्वल टू c परसेंट 10 अगर लिखूं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी यस सर अब मेरे को 1 चाहिए था इससे तो मैं e को अगर c डिवाइडेड डिवाइडेड 10 कर दूं तो e की वैल्यू क्या आएगी 1 d कितना है c 14 है 14 तो e 1 आ जाएगी यस सर तो अगर आपको रिवर्स निकालना है तो आपके पास बी के अंदर लास्ट डिजिट आ गया यस सर और डी के अंदर हमारा मिडिल डिजिट आ गया और ई के अंदर यूनिट प्लेस डिजिट जो फर्स्ट डिजिट आ गया ठीक है जी सर आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया अगर आर लिखना है तो बी इंटू क्या लिख दूं 100 प्लस डी इंटू 10 कर दूं प्लस ई कर दूं और प्रिंट क्या कर दूं आर तो मेरा क्या हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा 741 समझ आया ये यस सर बच्चे राइट साइड हमेशा एग्जीक्यूशन करेंगे राइट साइड अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है आपसे तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप हो रही कोई डाउट है किसी को नो सर चलो एक और बार ही देखते एक क्वेश्चन इसी के साथ करते कोई बोलेगा साथ में अगर मेरे को a इक्वल्स टू 1437 है इसका रिवर्स चाहिए 7341 फोर डिजिट नंबर का रिवर्स चाहिए अब देखो ये सबको लॉजिक याद हो जाना चाहिए ठीक है समझ आ जाना चाहिए बच्चे बताओ मैं क्या करूं a को मैंने क्या कर दिया int और दूसरा इनपुट ले बच्चे बताओ मेरे को क्या करना है a की वैल्यू क्या ले ली हमने यहाँ पे साइड में 1437 अब दीक्षांत तुम मत बोलो अब कोई और बच्चा बोलेगा कोई और बोलो बच्चे ऋषभ कोई भी बच्चा बोले यस सर कौन बोल रहा है बच्चे मोहित चलो मोहित तुम बोलो मोहित ए की वैल्यू समझ आ गई यस सर अब मेरे को 7 चाहिए 7 निकालने के लिए क्या करूं मैं b इक्वल्स टू क्या लिखूं सर b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 10 मतलब परसेंट उससे a हमारी परसेंट की वैल्यू आ जाएगी कितना तो यस परसेंट रिमाइंडर अगर 10 से लेंगे तो 7 आ गया यहां पे 7 लिख दें यस सर 7 आ गया अब b के अंदर ये आ गया अब तेरे को बेसिकली चाहिए 1437 का 143 चाहिए कि नहीं चाहिए यस सर C is equals to, मैं ऐसे लिख दूं A divided divided 10 तो C yes, की वैल्यू कितनी आ गई 143 D is equals to, अब 143 को किससे डिवाइड परसेंट लूं 10 से सर C D परसेंट 10 D equals to 3 आ गया E equals to, yes, अगर मैं लिख दूं C divided divided 10 तो E equals to कितना आ गया 14 यस सर 14 आ गया F is equals to कितना लिखूं F is equals to बोलो E percent 10 percent, क्या percent आया 10. F is equals to कितना आ गया 4 और अगर F G is equals to E divided divided 10 कर दो तो G कितना आ गया 1 आ गया मेरे जो डिजिट है ये इसमें इसमें और इसमें सही है yes, sir. तो आर रिवर्स इज इक्वल टू 24,000 प्लस
थाउजेंड डी चार हंड्रेड प्लस एफ चार टेन प्लस प्रिंट क्या कर दूं सेवन थ्री फोर वन आ जाएगा। हाँ हाँ यस सर आ जाएगा। बात समझ आ गई है? यस सर। चलो एक और देखते हैं। अगर हम ये बोलते हैं बच्चे मैं एटीएम में जाता हूँ, एटीएम में जाता हूँ और पैसे निकलवाता हूँ, जैसे लेट सपोज मेरे को निकलवाने हैं 2470 इतने रुपीज निकलवाने, एटीएम में 100 रुपए के नोट पड़े हैं, 50 रुपए के नोट पड़े हैं और 10 रुपए के नोट पड़े। अब कितने कौन कौन से निकलेंगे वो चीज देखते हैं। एटीएम से 100 रुपए वाले नोट कितने निकलेंगे बच्चे अगर 2470 अमाउंट निकालना है तो? 24 100 रुपए वाले। और 50 रुपए वाले कितने नोट निकलेंगे? एक। और 10 रुपए वाले? दो। ये तो बात आपको समझ आ गई। अब प्रोसीजर क्या किया जो आपने किया, 2470 था, आपने इसे 100 से डिवाइड किया, 24 किया 2400 आपका 70 आ गया, यानी 24 इज 100 रुपीज। अब जो 70 बचा था उसको आपने बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दिया 50 से, 51 द 50 और आपके पास आ गया 20, ये हो गया 50 रुपी नोट हो गए। अब 20 अगर 20 को 10 से डिवाइड किया तो 10 टू द 20 आपका रिमाइंडर क्या आया? 0। इसका मतलब दो कौन से है? 10 रुपी वाले नोट है। आपने ये प्रोसीजर किया कि नहीं किया? यस सर। ठीक है, अब इसी प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करते हैं, इसी प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा। कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। बच्चे कौन, गर्ल कौन बोल रहा है, नाम बताओ एक बारी। सर खुशबू शर्मा। हाँ बच्चे अब आप बोल, ठीक है एक बारी ट्राई करो बोलने की कोशिश। ए इक्वल्स टू, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इन और इनपुट करा, ये हमारा नंबर इनपुट हो गया ए। ए कितना हो गया? करेंसी नोट 2470। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। एच से 100 रुपी वाले नोट निकालना है, 100 रुपी वाले नोट से 2470 किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। ए डिवाइड 100, इसी से आएगा ना एच की वैल्यू 24। सही है? यस सर। अब आपको 70 चाहिए, 70 कैसे आएगा? अगर ए को हम 100 से रिमाइंडर ले लें तो ये कितना हो गया? 70। कोई डाउट है? अब 70 को आपने किससे डिवाइड किया हुआ है? 50 से। 100 रुपए 50 नोट, एफ से 50 रुपी नोट से डिवाइड कर देते हैं तो बी डिवाइडेड डिवाइडेड 50, तो बी कितना आ गया, सॉरी एफ कितना आ गया आपका? 1। और अगर मैं सी कर दूं बी परसेंट 10 50 तो आपके पास सी की वैल्यू 20 आ। यस और नो? यस सर। अब 10 रुपी वाले नोट निकालने हैं तो टी कर दो, टी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड डिवाइडेड 10, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपको करेंसी नोट्स निकालने थे तो ऐसे कर दो, प्रिंट एच कॉमा एफ कॉमा टी, एच की वैल्यू क्या प्रिंट होगी जल्दी बताओ? 24 51, एफ की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 2। ये समझ आ गया कैसे करेंसी नोट्स निकाले हैं? आ गया सबको? जी सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब जो करना है क्वेश्चन। अब लेट सपोज कि हमें दो नंबर्स हैं ए और बी, ये आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, ए और बी दो नंबर्स हैं, उन्हें स्वैप करना। स्वैप का मतलब क्या होता है? ए की वैल्यू अगर 3 है, बी की वैल्यू अगर 4 है तो आंसर ए की वैल्यू 4 आनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3। कोई डाउट है?
सर बच्चे कौन बोलेगा मेरे साथ में, कोई बोलेगा? मैं, यस सर। नाम बताओ, नाम बताओ। मोहित सर। मोहित बोलेगा। चलो अब मोहित देखो, अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू थ्री, मैं स्टैटिक इनपुट ले रहा हूँ, बी इक्वल्स टू फोर, कोई डाउट तो नहीं अभी? नो सर। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे सोचते हैं, इसलिए मैं वैसे कर रहा हूँ। मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए हो जाए और प्रिंट ए कॉमा बी, सही है? ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, इसलिए हम वैसे करवा रहे हैं। यस सर, न्यू वेरिएबल बना सकते हैं सर इससे हम। एक मिनट बच्चे देखो, इसमें हुआ क्या, इसमें गलती क्या है? जो बच्चे सोच रहे होंगे ए इक्वल टू थ्री हो जाए, बी इक्वल टू फोर हो जाए, ए की वैल्यू बी के बराबर, बी के बराबर मतलब बी कितना है यहाँ पे? फोर। फोर और बी की वैल्यू ए के बराबर हो जाए, ए कितना है अब? ए कितना है? ये वाला देखेंगे ना तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? फोर। तो प्रिंट क्या हुआ? फोर कॉमा फोर, यही प्रिंट होगा ना? यस सर। इसका मतलब बी को कौन सा, बी में कौन सी वैल्यू ए की जानी चाहिए थी? ये वाली वैल्यू जानी चाहिए थी ना? यस सर, 3 जानी चाहिए। यानी प्रीवियस ए जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए था? प्रीवियस ए जाना चाहिए, समझ आ गई बात? तो इस प्रोग्राम में छोटी छोटी गलती थी। अब इस प्रोग्राम को ठीक करते हैं, कैसे ठीक करेंगे वो चीज देखते हैं। अगर मैंने बोला प्रीवियस ए, प्रीवियस ए का मतलब हो गया उसको कहीं पे अगर मैं स्टोर कर लेता, सी इक्वल्स टू ए लिख देता, तो सी के अंदर क्या चला गया? ए सर। ए चला गया। अब एक बार सोच के देखेंगे कैसे चलाएंगे। तो सी के अंदर आपका ए है 3, ए के अंदर बी चला गया 4 है, और बी के अंदर आपका ए, ए कितना है? 4 है। तो बी के अंदर अगर सी डाल दूं तो स्वैप हो गया, तो स्वैप हो गया, सही है? तो कमांड्स क्या क्या हो गई? सी इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल टू सी, और प्रिंट ए कॉमा बी किया, तब आपके नंबर क्या हो गए? स्वैप हो गए, ठीक है? बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा एक तरीका और देखते हैं, उससे विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, उससे स्वैप कैसे करते हैं वो चीज समझे, ठीक है? मोहित बोलोगे ए इक्वल टू 3, बी इक्वल्स टू 4, सही है मोहित? यस सर। अगर मैं इन दोनों का सम कर लूं, a इक्वल टू ए प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है? 3 एंड 4। यहाँ पे इस वाली लाइन में बताओ। ओके, तो यहाँ पे सर हमारे पास a की वैल्यू 7 और b की 4। b की वैल्यू 4, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट आर वी गेटिंग? सर प्रीवियस ए। एक मिनट, ए अगर मैं 7 माइनस 4 कर दूं 3, ए मिलेगा मेरे को, इसको बनाना क्या है? बी बनाना है ना मेरे को। ए आउटपुट क्या चाहिए? ए की वैल्यू 4 चाहिए और बी की वैल्यू 3 चाहिए, यही चाहिए ना? यस सर। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 3 आता है। यस सर। तो उसको मैं बी के बराबर लिख दूं, b इक्वल्स टू a माइनस बी, तो मेरा a जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा और b जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस सर। अब अगर इन दोनों को दोबारा सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो a और b सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? 4 आएगा। 4 a इक्वल टू a माइनस बी कर दो तो a इक्वल टू मेरा 4 आ गया, b इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो आप हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। प्रिंट ए कॉमा बी, आप इसी को हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, कर सकते हैं ना? अब वो ट्राई कर लेंगे बच्चे। समझ आ गया है सबको जो कराया है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या होता है रीमा बच्चे? यस